तो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिक ऑनलाइन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रह्मदेव पांडे है और आज से हम बीसीए के लिए प्रोग्रामिंग इन जावा स्टार्ट करेंगे। जो प्रोग्रामिंग इन जावा का आपका सिलेबस है उसको हम आज से, उसका आज पहली क्लास है। आज हम जावा को बेसिक से सीखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है, क्या है जावा प्रोग्रामिंग, इसके क्या यूजेस हैं। तो आज के जो हमारी क्लास का टॉपिक है, हमारा सिलेबस है पूरा, वो है प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला होता है ये प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन जावा। इसको सबसे बड़ा बड़ा लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जावा ही तो मेन पढ़नी है, जावा की ही प्रोग्रामिंग। अब जावा पे प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग क्या होती है, और प्रोग्रामिंग करते किसमें हैं, क्यों करते हैं। प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर में करते हैं, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं कि प्रोग्राम्स होते क्या हैं और वो कंप्यूटर को चलाते कैसे हैं। तो इसको जानने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कंप्यूटर साइंस में यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन बेसिक टर्म्स को पहले हम समझते हैं कि क्या हैं और उनका क्या यूज़ है। तो कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी जिसे बोलते हैं, किसी भी हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की एक टर्मिनोलॉजी होती है जिस पे बेस्ड वो टॉपिक होता है, मतलब वो टर्म्स हमेशा उस टॉपिक में यूज़ होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, तो वो टॉपिक्स को हम पहले समझते हैं कि क्या हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक प्रोग्रामिंग को सीखने पहले हमें समझना है कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन। अगर इंग्लिश में हम सिंपली से देखें तो इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होगा, किसी को कोई ऑर्डर देना, या ऑर्डर इन द सेंस कह सकते हैं, या कुछ कहना कि आप ये पर्टिकुलर काम करो, ये होता है इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में। और इंग्लिश का ही जो आप उठा के सीधा कंप्यूटर में रख दीजिए, कंप्यूटर को हम कहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर काम कीजिए, तो कंप्यूटर को हम वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वही है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैलकुलेशंस करती है, प्रोग्रामिंग में हमारी प्रोग्राम्स लिखती है, आर्ट बनाती है, टच स्क्रीन डिवाइसेस को काम करवाती है, बहुत सारा काम करती है। लेकिन कैसे ये डिवाइस कैसे काम करती है, एक कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है, बेसिकली वो डिजिटली जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो बाइनरी में काम करता है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से वो यूज़ होता है। वो आपका जो पेपर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप उसमें सीखेंगे कंप्यूटर बेसिकली बनता कैसे है और वो कैसे कैलकुलेशंस करता है, कैसे सारे डेटा को हैंडल करता है, कैसे वो डेटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। लेकिन उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको अभी जानने होंगे कि डिजिटली काम कैसे करता है। डिजिटली क्या होता है कि कंप्यूटर में बिट्स होते हैं, बिट्स मतलब एक छोटे छोटे मेमोरी के कह सकते हैं, मेमोरी यूनिट्स होती हैं जिनमें कोई एक वैल्यू स्टोर होती है। इनमें कोई एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू या जीरो होगी या वन होगी। और ये बिट्स जो होते हैं, ये होते क्या हैं, ये स्विचेस होते हैं। अब जैसे स्विच देखे हैं ना, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं, ये स्विचेस ही होते हैं, ये ऐसे स्विच होते हैं। ये एक्चुअल में हम इसको अगर फिजिकली अब बाहर से देखना चाहो तो ये स्विच होते हैं, इंटरनली इनका फंक्शन दूसरा होता है, वो आप डिजिटल में पढ़ेंगे। यहाँ पे होते हैं ये स्विचेस होते हैं, ये स्विच और एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, उस स्विच की क्या कंडीशन हो सकती है, या स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। तो जब स्विच ऑन होता है तो उसको बोलते हैं वन, और जब स्विच ऑफ होता है तो उसको बोलते हैं जीरो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है समझने का कि कंप्यूटर का जो बेसिक काम है वो इन्हीं पे होता है, जीरो वन पे। और जीरो वन है क्या, यही है, एक स्विच रहती है, एक इलेक्ट्रिकल स्विच रहती है जो जब ऑन होती है तो वन को रिप्रेजेंट करती है, जब ऑफ होती है तो जीरो को रिप्रेजेंट करती है, और इन्हीं पे से पूरा ऑपरेशन होता है। और हम जब कंप्यूटर को कुछ कराना है हमको, तो हमें इन्हीं बिट्स को फेर बदल करना होता है, मतलब इन्हीं स्विचेस को ऑन ऑफ करना होता है। उसी ऑन ऑफ करके हम उसको सिग्नल देते हैं कि अगर ये ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा है तो इसमें ऐसा करो, अगर मैं ऐसा स्विचेस को ऐसे ऑन ऑफ करता हूँ तो ऐसा करो। और बेसिकली जो एकदम बेसिक लेवल पे होता है, बॉटम लाइन यही होती है, इंस्ट्रक्शन बेसिकली यही होता है। इंस्ट्रक्शन देते हैं मतलब हम उनमें जो बिट्स होती हैं, जो ये स्विचेस होती हैं, उनको चेंज करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को, स्विचेस को ऑन और ऑफ करते हैं। और जो जनरली इसका डेफिनेशन होगा, जनरली जो हम समझेंगे वो एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एनी कमांड या एनी ऑर्डर, एनी कमांड और ऑर्डर गिवन टू द कंप्यूटर कंप्यूटर
एनी कमांड और ऑर्डर गिवन टू द कंप्यूटर. एक कमांड कोई, कमांड का मतलब वो इंग्लिश वाला, इंग्लिश जो इसकी लिटरल मीनिंग है वही यहाँ पे लेंगे. कमांड या कोई ऑर्डर या कुछ कहें कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको कहें टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. एक हम कमांड देंगे, एक ऑर्डर देंगे कोई काम करने के लिए, टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर टास्क. एक पर्टिकुलर कोई भी काम करने के लिए कहेंगे, टास्क को परफॉर्म करने के लिए कहेंगे. ये होता है इंस्ट्रक्शन. ये बेसिकली बेसिक जो मतलब एक्चुअल होता है इंस्ट्रक्शन का. अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट है एक हिसाब से, वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकता. हमको लगता है कि अगर हमने ऐसे लिख दिया तो खुद से उसने प्रिंट कर दिया लेटर, लेकिन उसने खुद से नहीं प्रिंट किया. उसमें भी इंस्ट्रक्शंस इनबिल्ट हैं इस बोर्ड में जो है, इसमें अंदर से इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं कि जब पेन को ऐसे लिखा जाए, ऐसे पेन को यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे रब किया जाए, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो. तो ये जो भी काम करता है वो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही करता है. जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हीं को लेता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है. तो कब इंस्ट्रक्शन क्या है, कोई ऑर्डर देते हैं हम कंप्यूटर को कि ये फला काम करो, उसे हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. दूसरा आता है, अब प्रोग्रामिंग से संबंधित आता है. प्रोग्रामिंग मतलब राइटिंग अ प्रोग्राम. प्रोग्रामिंग का जो जनरल मतलब होता है वो यही होता है, राइटिंग अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम लिखना मतलब प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम बनाना, सोचना कैसे काम करता है, यही सब है प्रोग्रामिंग. अब प्रोग्रामिंग में हुआ है कि प्रोग्राम बना तो सबसे आता है, अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है. अब हम समझेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है. प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अब समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या होता है एक्चुअली में. प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. पिछले में हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है. इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक कमांड दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया हमने कंप्यूटर को कि ये पर्टिकुलर काम आपको करना है. और जब ऐसे कई ऑर्डर्स, एक सेट उनका, एक ऐसा पूरा सीक्वेंस उनको दे दे, उसको दे दे कंप्यूटर को कि आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे पर्टिकुलर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब दे देते हैं तो इन पूरे इंस्ट्रक्शन के सेट को बोलते हैं प्रोग्राम. तो ये क्या है, प्रोग्राम क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट मतलब पूरा एक कलेक्शन कह सकते हैं हम, कि सीक्वेंसली कि ये पूरे इंस्ट्रक्शन इतने सारे दें, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को हमने एक इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट दे दिया. इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल ऑर्डर. अब यहाँ पे पूरा कई सारे ऑर्डर्स दे दिए सीक्वेंस में कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो, उसके बाद वो, गिवन टू द कंप्यूटर टू अचीव पर्टिकुलर गोल या टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. सम उसका मीनिंग जो है वो एकदम सेम ही है, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अगर हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कई सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ में वन बाय वन करके सिक्वेंसली कि ये पहले करो फिर ये करो, उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं. वॉट इज अ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर. इंस्ट्रक्शन क्या है, एनी कमांड और ऑर्डर गिवन टू कंप्यूटर परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क. ये है इंस्ट्रक्शन और उसके आगे होता है प्रोग्राम. और अब होता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, फिर प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, इसी प्रोग्राम को लिखने का तरीका कि कैसे हम प्रोग्राम को लिखते हैं, क्या रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं. जैसे हमें अपन किसी को अगर कुछ ऑर्डर देना है, कुछ कहना है, सपोज हमें किसी से कहना है कि एक कप चाय बना दीजिए, उसको नहीं पता है क्योंकि कंप्यूटर हमें बताया कि कंप्यूटर क्या है, उसको खुद से कुछ नहीं है. सारे इंस्ट्रक्शंस जो हम देंगे उन्हीं को वो परफॉर्म करेगा अंदर, वही स्विचेस को ऑन ऑफ करके. तो उसको बस वही आता है, स्विच को ऑन ऑफ करना, बाकी जो उसको सारे इंस्ट्रक्शन की कैसे क्या करना है वो हमको ही देना है. तो अब चाय बनाने के लिए कहेंगे तो बेसिकली अगर उसको थोड़ी सी समझ है तो इतना बोलेंगे, सबसे पहले क्या करना है, अगर चाय बनानी है तो सबसे पहले एक कप पानी लो, उसको गर्म करो, पानी को गर्म करो, गर्म करके उसमें चाय पत्ती डालो, फिर चीनी डालो और फिर दूध डाल दो, उबाल करके चाय बन गई. अब ये बेसिक है स्टेप्स चाय बनाने का. अब अगर ये पूरा स्टेप उनको दे दें
तो वो चाय आराम से बना सकता है। अगर वो बाकी उसको हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, बाकी उसको पता है कि पानी गर्म कैसे करते हैं ये भी नहीं बताएंगे कि गैस ऑन करो, ये करो, वो करो। ये हमने बेसिक बताया कि पानी गर्म कर दो तो वो उतना समझ जाएगा कि हाँ पानी को ऐसे गर्म करना है। तो ये बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर कंप्यूटर को देते हैं वो हो गया प्रोग्राम। और इसी को देने का जो होता है, ये इंस्ट्रक्शंस देने का, ये प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस होता है उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहे हैं उस आदमी को कि ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, वो हम क्या कर रहे हैं हिसाब से उस, हम यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में अगर वही कहें तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम। मतलब हम उस प्रोग्राम को लिख रहे हैं या बता रहे हैं कि आपको ये करना है। तो फिर आता है अब क्या हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग की जो एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाएगी वो क्या है। ये बुकिश डेफिनेशंस कोई नहीं है कि जो बुक में आपको लिखा रहेगा ज़रूरी है कि वही रहे। ये वो चीज़ें हैं जो टेक्निकल से हटके आपको जनरल बताती हैं कि एक्चुअली में है क्या, ये कैसे प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्राम एक्चुअली में कैसे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हम, वो दूसरी चीज़ें वो हम आगे पढ़ेंगे। ये जनरल चीज़ें हैं जो ओवरऑल है कि ये है क्या एक्चुअली में, प्रोग्राम है क्या, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, प्रोसेस ऑफ राइटिंग कह सकते हैं आप या क्रिएटिंग, राइटिंग अ प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग अब आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्रामिंग ज़रूरी क्यों है, क्या यूज़ है प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग का यही यूज़ है, प्रोग्रामिंग का क्या यूज़ है, प्रोग्राम लिखने के लिए, सिंपल सी है, प्रोग्राम लिखने के लिए। और प्रोग्राम हमें क्यों लिखना पड़ रहा है, कंप्यूटर से कोई पर्टिकुलर काम कराने के लिए, ये काम कंप्लीट कराना है तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब वो प्रोग्राम लिखेंगे जिससे वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को और वो पर्टिकुलर काम करेगा। और इसी प्रोग्रामिंग के लिए, ये प्रोग्रामिंग करने के लिए ही, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए सारी अलग अलग तरीके बनाए गए कंप्यूटर को। सबसे पहले कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कैसे करते थे, मैन्युअली करते थे। एक मैन्युअली हम स्विचेस को ऑन ऑफ करते थे, मैन्युअली स्विच, ये स्विच ऑन कर दो, ये ऑफ कर दो, ये ऑफ कर दो, ये ऑन कर दो, उससे ये पर्टिकुलर काम हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है दो नंबर, पता लगा कि ये दो नंबर का हम जब बाइनरी में स्विच ऑन ऑफ करके दो नंबर्स एंटर कर दिए तो उसने ऐड करके वहाँ पे ये काम कर दिया, हमको आउटपुट फाइनल दे दिया बाइनरी में ही स्विचेस को ऑन ऑफ करके। फिर धीरे धीरे इसको चेंज किया गया और नई नई तरीके निकाले गए। और फिर धीरे धीरे जब करके आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस क्या, ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेज तो एक भाषा ही होती है, वो ऐसी भाषाएँ होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हमने अगर किसी कोई अगर है जो इसको हिंदी जानता है या हिंदी में केवल बोलता है, उससे बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हिंदी जाननी पड़ेगी, हिंदी में ही बोलेंगे तब उसको समझ में आएगा। तो वैसे कंप्यूटर क्या आता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझता है, वो नॉर्मल लैंग्वेज को इंग्लिश नहीं समझता है, वो इंग्लिश को नहीं समझता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनको हम बताने के लिए कि ये काम करना है, हमें प्रोग्रामिंग सीखनी होती है कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है, क्या उसमें रूल्स फॉलो होते हैं, क्या उसके सिंटैक्सेस क्या होते हैं, कि कैसे हम प्रोग्राम को लिखते हैं। और वही पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे जावा के थ्रू कि जावा से ये काम कैसे किया जाता है, मतलब जावा से एक कंप्यूटर को ये जो इंस्ट्रक्शन होता है, ये जावा से कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भैया ये स्विचेस ऑन ऑफ करो, जो भी करना है इंटरनली करो, और हमारा ये पर्टिकुलर काम हमको करके दो, ये आउटपुट दे दो, या ये स्क्रीन पे ये प्रिंट कर दो, या प्रिंटर से ये आउटपुट निकाल दो, या साउंड से ये जो हमारा स्पीकर है उससे ये पर्टिकुलर साउंड निकाल दो। यही सब करने के लिए हम जावा का यूज़ करेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो जावा में एंटर होने से पहले, जावा की जो एक कह सकते हैं कि दुनिया है, उसमें एंटर होने से पहले हमें कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि वो क्या होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, और उनका क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो टर्म्स हैं जो बोल रहे हैं टर्मिनोलॉजी एक सब्जेक्ट की। तो जावा की, जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उस टर्मिनोलॉजी को अपनी क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं, उनका क्या यूज़ है, क्या मतलब होता है, उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग जावा में एंटर करेंगे, जावा के वर्ल्ड में। तो सबसे पहले जो इससे है, सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वो लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग हमको पता लग गई क्या होती है, प्रोसेस ऑफ या राइटिंग अ प्रोग्राम, द वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्राम और लैंग्वेज पता ही है, लैंग्वेज मतलब कोई एक भाषा, कोई एक तरीका, कोई ऐसे कई सारे सेट्स होते हैं, कई रूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो मीडियम है जिससे हम किसी दूसरे से, किसी सामने वाले से अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने इमोशंस हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, वो लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो जाएगी, जब कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट करते हैं उस लैंग्वेज को कहते हैं, जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के साथ में बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि अब कंप्यूटर से बात कैसे की जा सकती है, उसको इंस्ट्रक्शंस देके, वो बता के कि आपको ये करना है, मतलब उसमें प्रोग्राम्स लिख के। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, अ लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज यूज्ड टू, अ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब एक ऐसी भाषा जिसका हम क्या यूज़ है, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिखने के लिए, कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ये देखिए कैसे टर्म्स चल रहे हैं, जो टर्म्स रहे हैं ये टर्म्स कैसे स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन बताए कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके प्रोग्राम की डेफिनेशन दी। प्रोग्राम की डेफिनेशन में इंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन अपने आप इंस्ट्रक्शन वर्ड आ गया, वहाँ से आपको पिछला से निकालना है कि यहाँ इंस्ट्रक्शन ये चीज़ होता है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमने प्रोग्राम बता दिया, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग बताने के लिए हमने प्रोग्राम का यूज़ किया, प्रोग्राम वर्ड का यहाँ पे। अब प्रोग्राम की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे आपको आ जानी चाहिए कि हाँ ये प्रोग्राम ये होता है। अब प्रोग्रामिंग हमारे पास आ गई और लैंग्वेज हमको पता है क्या होती है, मीडियम होती है जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से। तो लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन बता दी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम्स का यूज़ करके, ये ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज़ हम करते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज जिसका हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए। कौन से प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जिससे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकें। तो ये होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बेसिक हो गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मेनली तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और एक टाइप होता है जिसे कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, आप कह सकते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, और फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीन बेसिकली होती हैं कि मशीन लैंग्वेज, तो सबसे पहले जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले क्या आती है, अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन, मशीन लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये बेसिक्स है जो हमको जानने जरूरी हैं जावा प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में एंटर होने के, जावा प्रोग्रामिंग समझने के लिए बेसिक्स ही है प्रोग्रामिंग के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली तीन रखी गई हैं, एक तो होती है भैया मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज जिसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के ये वर्ड से ही समझ में आता है, मशीन से ये, कि मशीन लैंग्वेज क्या है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें मशीन काम करती है, जिसमें मशीन बात करती है, मशीन बात करने मतलब कंप्यूटर। और अभी बताया कि कंप्यूटर कैसे करता है, स्विचेस को ऑन ऑफ करके, स्विच ऑन होती है तो वन, ऑफ होती है तो जीरो। तो यही वन और जीरो जो होता है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वन और जीरो यानी ऑन ऑफ से करते, यही ऑन ऑफ करके क्या होता है, मशीन लैंग्वेज बनती है। ये कौन सा है, लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, मतलब जीरो और वन की जो दुनिया है, जो लैंग्वेज है, उसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, यही है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। और दूसरी आती है, सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज हो गई,
ये इसी को और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब लो का क्या मतलब है यहाँ पे, लो लेवल लैंग्वेज में लो का क्या मतलब है? लो का मतलब ये है कि ये इतनी बेसिक लेवल पे होती हैं, कंप्यूटर से इस बेसिक लेवल पे डील करती हैं कि हम उस बेसिक लेवल पे खुद से इतना इजीली डील नहीं कर सकते। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जीरोज और वन का यूज़ करें, जो कि पहले होता था जब इनिशियली कंप्यूटर्स बने तो उनसे ऐसे ही काम करते थे, ऐसे ही जीरोज और वन से। लेकिन उन्हीं को फिर तरीकों को डेवलप किया गया, धीरे धीरे बढ़ाया गया, और जीरोज और वंस की जगह पे फिर आगे और उसके बढ़ाकर और आगे लैंग्वेजेस बनी। तो सबसे जो बेसिक लेवल पे काम करती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जो मशीन लैंग्वेज हो, इसीलिए उसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज को। और इसमें क्या आई दूसरी, फिर आई असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है ये इतना परेशान कर दी, इतना समस्याएं इसमें आ गई लो लेवल लैंग्वेज में, कि इसको चेंज करने के लिए नई लैंग्वेज बनानी पड़ी। नई लैंग्वेज बनानी पड़ी मतलब कंप्यूटर तो उसी में काम करता रहेगा, कंप्यूटर को छोड़ दिया भैया तुम अपना उसी पे काम करो, हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे। इंसानों ने कहा कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई। क्या कहा गया उसको, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या कहा गया, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज होती है जिनमें जो जीरोज और वंस होते हैं इन्हीं को एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाता है, इंग्लिश का वर्ड दे दिया जाता है। एक्चुअली मैं कंप्यूटर नहीं समझता उनको, कंप्यूटर को समझाने के लिए इसको हमें फिर ट्रांसलेट करना पड़ेगा इसी लैंग्वेज में जाके, लेकिन हम अपने समझने के लिए थोड़ी आसानी हो हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का अगर कहना है ऐड, तो यहाँ पे अगर हम जीरोज वन का कहें तो कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मान लीजिए होगा, मान लीजिए अगर हम लिखे 1 0 0 1 1 0, सपोज दैट, सपोज दैट हमने ये लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐड करो। इससे कंप्यूटर अगर ये लिखा है, मतलब अगर स्विचेस की कंडीशन ऐसी है कुछ, तो कंप्यूटर समझेगा कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है। हमें 1 0 0 1 याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये रहेगा तो यहाँ पे ऐड मतलब रहेगा। तो हमने लैंग्वेज जो बनाई असेंबली लैंग्वेज, उसमें क्या किया कि इस पार्ट को यहां से हटा दिया गया और सिर्फ केवल केवल क्या लिखा गया, ऐड, ऐड, मूव। इन सब के क्या होते हैं ये आपको जानने के लिए असेंबली आपको समझनी पड़ेगी, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। ऐड, मूव, जंप, कंपेयर, ये सब बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, ये इन वर्ड्स को यूज करके हमने क्या किया कि उनको सिंबलाइज कर दिया। जो इनके पेयर्स होते हैं, जो इनके जीरोज और वंस के जो ग्रुप्स होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर मतलब होता है कंप्यूटर के लिए, उनको सिंबलाइज कर दिया गया कि अगर 0 1 का ये कॉम्बिनेशन है तो इसका ये मतलब हुआ, इसको हम बोलेंगे इसको ऐड। कंप्यूटर तो उसको वही जानेगा जीरोज और वन के फॉर्म में, स्विच ऑन ऑफ के फॉर्म में, हम उसको बोलेंगे ऐड। अगर है तो हम बोलेंगे मूव, हम बोलेंगे कंपेयर। तो ऐसे लैंग्वेजेस का यूज करके इसमें भी बहुत बेसिक लेवल है, इसमें आपको बेसिक एक एक करना पड़ेगा कि अब ऐड करना है इन दो नंबर्स को, फिर अब इन दो नंबर्स को यहाँ पे कंपेयर करना है बेसिकली एकदम से, वो भी बहुत लंबा होता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज से बहुत आसान थी। और इसीलिए इससे फिर प्रोग्रामिंग जो होता है, प्रोग्रामिंग फिर इसी में स्टार्ट हो गई असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज के यूज़ करके फिर उसको मशीन में बाद में कन्वर्ट किया जाता था। अपने समझने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज के यूज़ करते थे, और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे तो हम तो असेंबली में समझ जाते थे, कंप्यूटर कैसे समझता था, ट्रांसलेट करता था। तो क्या यूज़ होता था ट्रांसलेट करने के लिए, तो ट्रांसलेटर ही यूज़ होता है, सिंपल सी बात है। अगर आप दो लोग हैं, मैं इंग्लिश जानता हूँ, वो सामने वाला बंदा हिंदी जानता है, और हम मुझे हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या करेंगे, एक ऐसे आदमी को लाएंगे जो दोनों लैंग्वेज जानता हो, इंग्लिश भी जानता हो, हिंदी जानता हो। तो क्या करें, मेरी भाषा, मैं जो बोलूँगा वो मेरे वर्ड्स ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में बताएगा, और उसके वर्ड्स ट्रांसलेट करके मुझको इंग्लिश में बताएगा। सेम वही काम यहाँ पे किया गया, एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर लाया गया जो इसको ट्रांसलेट, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज बना दे। और उसका नाम क्या है, वो जो लाया गया, जो प्रोग्राम बनाया गया, उसको क्या कहते हैं, असेंबलर। उसको क्या कहा गया, असेंबलर, असेंबलर। इसका काम क्या था, असेंबलर का काम क्या था, कन्वर्ट, या इसको कन्वर्ट की जगह पे अगर बेटर होगा हम लिख दें ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट, ये एक ट्रांसलेटर था, ट्रांसलेट असेंबली, जो असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज, ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज
इनटू मशीन लैंग्वेज, इनटू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये काम था हमारे असेंबलर का। जो असेंबलर था हमारा वो ऐसे काम करता था, वो क्या करता था कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता था, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता था, जिससे कंप्यूटर समझ पाए। तो ये था असेंबलर। और जब असेंबली में तो हुआ ठीक है, असेंबली बहुत बहुत फ़ायदा कि बहुत आसान कर दिया हमारी प्रोग्रामिंग को, कि जो जीरोज वन से हम हट के कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पे आ गए, कि इंग्लिश के वर्ड्स एक दो कंप्यूटर को हम बताएं, हम उसमें प्रोग्रामिंग अपनी करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर का यूज़ बढ़ना स्टार्ट हुआ तो उस पर जो ऑपरेशन थे वो भी बढ़ने लगे, मतलब हमें और ज़्यादा ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ने लगी। और ज़्यादा ऑपरेशन करने के लिए हमको और बड़े प्रोग्राम्स लिखने पड़े। प्रोग्राम क्या, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देनी है तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लिखने पड़े। और ऐसे इंस्ट्रक्शन ऐसे एक एक वर्ड से ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करके छोटा छोटा हम जब लेते हैं जब करने हैं, तो इससे बहुत दिक्कतें आती थी फिर इसमें भी, क्योंकि प्रोग्राम का जो प्रोग्रामिंग का साइज़ था, जो लेवल था, वो बहुत बढ़ गया था। और उसके कंपेरिजन में इसमें भी प्रोग्रामिंग में समस्या आने लगी थी। तो फिर से क्या किया गया, फिर वही इंजीनियर ने भी कहा, कंप्यूटर को छोड़ दिया, भैया तुम वही रहो, तुम असेंबली से करो या मशीन से करो, हम फिर नई लैंग्वेज बनाए जा रहे हैं। तो फिर इंजीनियर्स ने मिलके फिर एक नई लैंग्वेज, फिर एक नई तरह की लैंग्वेज बनाई स्टार्ट की, जिसे हम कहते हैं आज कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। वो लो लेवल थी एकदम से, बीच में असेंबली आई थी थोड़ा आसान बनाने के लिए हमको, फिर आ गई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जिनमें हम इंग्लिश के टर्म्स को जो प्रोग्राम जैसे थोड़ा थोड़ा लगते थे कि हाँ इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश में यूज़ करते थे, कि इंग्लिश में ये वर्ड्स रहते थे, इंग्लिश में उसके फ्रेजेस रहते थे जिनका कोई पर्टिकुलर मतलब होता था, और उनमें एक छोटे फ्रेज से छोटे से लिख के हम बहुत सारा काम आसानी से कर सकते थे एक बार में। जैसे अगर हमें ऐड करना है तो उसमें हम अगर ये सिंबल यूज़ कर देते थे तो वो ऐड का काम कर देता था। ये सिंबल क्या कर देता है, मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब जो वैल्यूज होती हैं उनको कंप्यूटर से ले लेता है और ले करके उनको ऐड कर देता था। केवल इसके करने के लिए, ए प्लस बी करने के लिए असेंबली में इतना लंबा ऐसे 5-7-8 लाइन का प्रोग्राम रहेगा असेंबली में, ये पूरा केवल एक करने के लिए, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस केवल एक लाइन में कर देती थी, एडिशन केवल एक लाइन में कर देती थी। तो इसीलिए काम को आसान बनाने के लिए क्या किया गया, इनका यूज़ किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस किया गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, सी है आपकी, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल, स्विफ्ट, ये सब लैंग्वेज जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये कुछ कुछ इंग्लिश की तरह होती हैं और इनमें भी वही हम काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब प्रोग्राम्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिख करके कंप्यूटर को देते हैं, तो प्रोग्राम्स फिर वही होता है, कंप्यूटर फिर उनको ट्रांसलेट करता है, बैठ के अपना कंप्यूटर ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज को अपनी मशीन लैंग्वेज में करता है और समझता है वहाँ से। तो ये हुआ मशीन लैंग्वेज से फिर हम आए, जब असेंबली लैंग्वेज से फिर आ गए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में। और हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स कौन सी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज HLL, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से इसमें आए, सी आया, सी प्लस प्लस आया, जावा आई जो हम आगे चल के कोर्स में पढ़ेंगे, पाइथन आया, बहुत सारे ये लिस्ट तो बहुत आगे तक। क्यों ऐसा हुआ, ये लिस्ट इतनी बड़ी क्यों है, बाकी सब लैंग्वेजेस की लिस्ट छोटी क्यों है, इसीलिए क्योंकि ये इंग्लिश के टर्म्स थे, इसमें इंग्लिश के वर्ड्स थे और ये बाकी प्रोग्रामिंग जो मशीन लेवल थी और असेंबली थी उसके कंपैरिजन में बहुत आसान थे। तो इनमें कई सारी लैंग्वेजेस बनी हाई लेवल लैंग्वेज में, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, शायद अनगिनत ही हों, इतनी लैंग्वेजेस हैं। तो हम जो बेसिक जो मेन है उनका हमने नाम लिखा, ऐसी ये लैंग्वेजेस थी, लिस्ट अभी बहुत बड़ी है, जो कि पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उन्हीं की लिस्ट अभी बहुत बड़ी है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस थी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस। HLL का फॉर्म क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जिनमें हम फिर प्रोग्रामिंग करते थे। तो ये था जिस तरह से प्रोग्रामिंग डेवलप हुई, मतलब प्रोग्रामिंग पहले मशीन लेवल में होती थी, उसके बाद फिर असेंबली में होने लगी, उसके बाद फिर जब वो भी समस्या आई तो अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में, और जो करंटली जो चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही यूज़ होती हैं, जिनमें से हम एक लैंग्वेज जो जावा है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये तो हुआ।
अब वहां पे फिर देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, असेंबली लैंग्वेज में क्या था, असेंबलर था। असेंबली लैंग्वेज में क्या था, असेंबलर था, जो क्या करता था हमारी लैंग्वेज को, असेंबली को ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज में। अब यहाँ पे जब हमने हाई लेवल लैंग्वेज बनाई तो फिर यही समस्या आई, कंप्यूटर तो भैया वही अपना मशीन लैंग्वेज ही समझता है, उसको वही आती है, उसके अलावा और कोई लैंग्वेज आती नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मशीन लैंग्वेज में ही उसको समझना है। फिर हमने क्या किया, ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जो हाई लेवल लैंग्वेज को फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते थे, दो सॉफ्टवेयर ऐसे जो उनका दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। ये कौन कौन से होते थे, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर, सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर का क्या काम होता है कि सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा, एक जावा का प्रोग्राम मान लीजिए हमने लिखा, जिसमें कुछ लाइंस हैं, मान लीजिए एक प्रोग्राम है जावा का, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। अभी आप जावा प्रोग्रामिंग से फैमिलियर नहीं हैं, लेकिन सपोज हमने लिखा एक प्रोग्राम जावा का, एक छोटा सा प्रोग्राम, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसमें कुछ लाइंस हैं, कुछ लिखा हमने, कोई काम किया अपना जो हमारा काम करना था, एंड कर दिया। अब ये जावा का प्रोग्राम है पूरा, क्या करना है इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है, तो इसके लिए कंपाइलर आता है। जो जावा कंपाइलर है, जो जावा का कंपाइलर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करेगा, आपकी पूरी ये लैंग्वेज को उठाएगा, देखिएगा क्या है, इसको वन बाय वन करके एक एक इसको चेक करेगा, सबसे पहले कि पूरा पेज में कोई एरर तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। लैंग्वेजेस में एरर्स आती हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होती हैं एरर्स, कैसे आती हैं, कैसे उनको रिमूव करते हैं, उसके लिए चेक करेगा, फिर उसको उठा के मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर, जिसे कंप्यूटर आराम से समझ जाए, वही बाइनरी स्विचेस ऑन ऑफ करने का, जीरोज एंड वंस का, उसमें उठा के चेंज कर देगा। तो ये जावा का प्रोग्राम जो पूरा था, जो हाई लेवल लैंग्वेज में था, ये सीधा चेंज किस में हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज में, ये आ जाएगा मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज इसमें। और ये करेगा कौन, ये काम किसका है, कंपाइलर का, ये काम कंपाइलर करेगा। और यही है कंपाइलर, ये कंपाइलर क्या है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मशीन लेवल, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और सॉफ्टवेयर कंपाइलर की अगर डेफिनेशन लिखनी हो आपको एक बेसिक एक लाइन में, सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स, ट्रांसलेटर ही है ये सब, असेंबलर भी और कंपाइलर भी, इंटरप्रेटर भी, दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज लाइक, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कौन कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी, लाइक जावा हो गई, सी, सी प्लस प्लस, ये सब लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है किसमें, इनटू मशीन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज, LLL ट्रिपल L यानी मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जावा की पूरा प्रोग्राम को उठाएगा, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा इंस्ट्रक्शंस में, जिसे कंप्यूटर समझे कि ये क्या लिखा था, क्या यूज है उसका, और वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करे। तो ये था कंपाइलर। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था इंटरप्रेटर, 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 INTERPRETER, इंटरप्रेटर। अब काम भी इसका भी वही होता है, काम इसका क्या है, इसका काम क्या होता है, ट्रांसलेटिंग, चेंजिंग नहीं, ट्रांसलेटिंग। इसका काम क्या होता है, ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज यानी इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी काम इसका क्या होता है, कंपाइलर के जैसे ही, कि इसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। अब आया तो कि तो दो दो बनाने की जरूरत क्या थी, कंपाइलर से केवल काम नहीं चल रहा था,
क्यों इंटरप्रेटर फिर बनाया गया जब उसका काम भी वही था। काम इस तरह कि अपनी लैंग्वेजेस की जो होती है अपने तरह से अपनी डिमांड होती है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये आया कि कंपाइलर में ये क्या करता था, ये जो पूरा प्रोग्राम है, कंपाइलर क्या करता था, कंपाइलर का क्या काम होता था, कंपाइलर यहाँ पे लिख देते हैं, ये कौन है, ये कंपाइलर कर रहा है। इसका काम जो है कि पूरे लैंग्वेज को, पूरे पेज को, जो पूरा जो प्रोग्राम है, जिस भी लैंग्वेज में है, जावा में है, सी है, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज है, जिसमें भी है, ये उसको उठा के चेंज कर देता था तुरंत मशीन लैंग्वेज में। ये क्या करता था, उसको चेंज कर देता था मशीन लैंग्वेज में। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है, उसको उठा के मशीन लैंग्वेज चेंज करता था। लेकिन ये काम कैसे करता था, ये कैसे काम करता था, ये करता था पेज बाय पेज या प्रोग्राम बाय प्रोग्राम, ये पूरे प्रोग्राम को दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एट वंस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कंपाइलर जो होता था वो क्या करता था, ट्रांसलेट तो करता था लेकिन पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता था और उसको एक बार में सीधा कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कर देता था। इंटरप्रेटर इससे थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अलग है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, इसका ये काम होता है। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ये भी करता है लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। अब थोड़ा समझिए कि हाई की लाइन बाय लाइन और पेज बाय पेज का क्या मतलब है। जब कंपाइलर काम करेगा तो वो भी तो कहे पूरा पेज एक बार में थोड़े पढ़ेगा, वो भी पहले एक लाइन पढ़ेगा, उसको फिर उठाएगा, उसको देखे एरर तो नहीं है, आगे जाएगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा तीसरी लाइन। लेकिन क्या होता है, जो कंपाइलर अपना फाइनल आउटपुट देता है प्रोसेस होने के लिए, जो उसका फाइनल आउटपुट होता है कि भाई हमने ये आउटपुट दिया, ये हमारा प्रोग्राम था, इसको कन्वर्ट करके ये बनाया हमने मशीन लैंग्वेज में, वो एक बार में होता है। वो पूरा प्रोग्राम जो होगा उसको ट्रांसलेट, वो जो पढ़ेगा तो ट्रांसलेट करके किस में लाएगा, मशीन लैंग्वेज में, एक बार में पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो इससे इसलिए अंतर होता है, ये लैंग्वेज को ये भी काम ऐसे करेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, लेकिन करेगा क्या कि एक लाइन उठा के पढ़ा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक लाइन इसको रीड किया, एक लाइन को रीड किया, इसको ये तुरंत उठा के कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में और तुरंत उठा के एग्जीक्यूशन के लिए दे देता है, तुरंत उठा के दे देता है एग्जीक्यूशन के लिए। ये इसमें चेंज है, इसको मशीन को मेन दे देता है या कंप्यूटर को, आप यहाँ पे मशीन या कंप्यूटर कहें, कंप्यूटर को तुरंत दे देता है, आपके प्रोसेसर को दे देता है एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब एक लाइन उठाया, यहाँ से पूरा प्रोग्राम है, बहुत सारा लाइन्स है इसमें, ये एक लाइन उठाया, उसको रीड करके तुरंत ट्रांसलेट करता है एग्जीक्यूशन के लिए देता है। कंपाइलर क्या करेगा, पहले पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेगा, लाइन बाय लाइन ही करेगा लेकिन पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेगा, एक जगह स्टोर कर लेगा एक फाइल में, उसके बाद में उसको प्रोसेसर को देगा, कंप्यूटर को देगा कि ये पूरा प्रोग्राम है, आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, ये एग्जीक्यूट करना है। ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या करेगा, पूरा एक बार में प्रोग्राम को रीड करके चेंज करेगा और पूरा एक बार में प्रोग्राम को हैंड ओवर कर देगा सिस्टम को, प्रोग्राम कंप्यूटर को, कि आप इसको आप एग्जीक्यूट कराइए। इंटरप्रेटर एक लाइन उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और तुरंत उसको दे देगा एग्जीक्यूशन के लिए कि एक लाइन एग्जीक्यूट करो। फिर जब तक वो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तब तक दूसरी लाइन कंपाइल करेगा, मतलब दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा मशीन में, तुरंत उसको उठा के देगा, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते ही इसको देगा कि अब ये एग्जीक्यूट करो। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही अंतर आता है कि कंपाइलर पूरा पेज उठा के एक बार में देगा पूरा प्रोग्राम, और इंटरप्रेटर वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूशन के लिए डालता रहता है। ये होता है डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत क्या होती है, लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के लिए। अब आता है कि कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइल्ड होती हैं, मतलब कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइलर से ट्रांसलेट होती हैं, ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटर से ट्रांसलेट होती हैं। तो कंपाइलर से ट्रांसलेट होने की वाली जो लैंग्वेजेस हैं उनकी लिस्ट में कई सारे आते हैं। तो हम बेसिक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली पॉपुलर लैंग्वेज उनकी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कंपाइल्ड होती हैं, कौन सी है उनमें से, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सब लैंग्वेज हैं एटसेट्रा। ये क्या होती हैं, ये कंपाइल्ड होती हैं।
और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं बेसिक की ये लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, कि इन्हें पूरा प्रोग्राम जो कंपाइलर होता है पूरा प्रोग्राम रीड करता है, पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक मशीन लैंग्वेज में और उसको फिर सिस्टम को देता है कि अब आप कन्वर्ट कीजिए, अब आप इसको आप प्रोसेस कीजिए। और जो दूसरी होती हैं इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो इंटरप्रिटेड होती हैं, जिन पे इंटरप्रिटर काम करता है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेजेस। ये कौन कौन सी होती हैं, इनका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है पाइथन, आपका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है और जो कि सबसे ज़्यादा यूज भी होता है, ये एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है पाइथन। और एक और इसमें आता है जावा इस लिस्ट में, और भी इसमें है आगे, हम मेनली जिन पर फोकस करना है उनको हम रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जावा दोनों में कैसे चला गया, कंपाइल भी कैसे होता है इंटरप्रेटेड भी कैसे होता है। तो यहीं पे आता है जावा की जो मेनली जो मेन जावा की खूबसूरती है, उसका जो मेन इम्पोर्टेंस है अदर लैंग्वेजेस पे, जो उसकी मेन महानता हम कह सकते हैं कि ये दोनों है इसमें। दोनों का क्या मतलब होता है कि सी है या सी प्लस प्लस है, इसमें क्या होता है कि हमने जो सोर्स कोड लिखा पूरा प्रोग्राम जो पूरा लिखा वो पूरा एट वंस कंपाइल होगा एक फाइल में, एक बाइनरी फाइल में जो कि मशीन लैंग्वेज में रहेगी, लो लेवल लैंग्वेज में रहेगी, एक किसी एक पर्टिकुलर फाइल में कंपाइल होगा। एक पर्टिकुलर फाइल मान लीजिए कोई बन गई, ये फाइल है, इसमें सब मशीन कोड है, ये कंपाइल हो गया और फिर ये सीधा एग्जीक्यूट होने चला जाता है यहाँ से प्रोसेसर के पास में, यानी आपके कंप्यूटर के पास में जो चलाता है, प्रोसेसर के पास में चलाता है किस लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। यहाँ से कंपाइल होगा, कंपाइल होकर बाद सीधा प्रोसेसर को चला जाएगा। ऐसे क्या होता है सी सी प्लस प्लस इन सब में होता है। पाइथन में क्या होता है, जो ऐसी मतलब इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं उनमें वन बाय वन लाइन बाय लाइन वो उठाता है, एक लाइन को रीड किया, रीड करने के बाद उसको चेंज किया मतलब ट्रांसलेट किया और उसके बाद फिर उसको तुरंत प्रोसेसर को दे दिया कि इसको एग्जीक्यूट करो, वो लाइन एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद फिर दूसरी लाइन, इसके बाद क्या होगा, फिर दूसरी लाइन उठाएगा उसको सेम वैसे ट्रांसलेट करेगा फिर प्रोसेसर को देगा। जावा इन दोनों से थोड़ा अंतर है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। वो क्या करती है कि जावा का जो प्रोग्राम होता है, सपोज एक जावा प्रोग्राम है, ये एक जावा प्रोग्राम है, एक जावा की क्लास है, सपोज ये जावा प्रोग्राम है पूरा, ये जावा का है, ये जावा में लिखा है, ये सबसे पहले क्या होगा, इसे कंपाइलर आएगा, सबसे पहले कंपाइलर आएगा, जावा का कंपाइलर जिसका नाम है जावैक, जावा सी जिसको कहते हैं, कंपाइलर कौन सा है, जावा सी। ये कंपाइलर जो है ये आएगा, ये सबसे पहले जावा के पूरे प्रोग्राम को एक बाइनरी कोड, जिसे हम कह सकते हैं बाइनरी जैसा ही कोड होता है, जिसे बोलते हैं बाइट कोड, जो जावा में यूज होता है बाइट कोड, एक ऐसे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम कहते हैं, एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देगा जिसको हम कहते हैं बाइट कोड। ये ऐसा कोड होता है जिसमें जावा का जो सोर्स कोड होता है, जो बेसिक सारी लाइंस होती हैं, सारी जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं लिखे होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप के कोड में चेंज हो जाता है जिसे बोलते हैं बाइट कोड। उसके बाद क्या होता है, ये कंपाइलर से जो निकल के आता है बाइट कोड, ये डायरेक्ट सिस्टम से इसका इंटरेक्शन नहीं होता है। देखिए अभी सी या सी प्लस प्लस के केस में क्या था, कंपाइल लैंग्वेज केस में, कि यहाँ से जो कोड निकल के आया, ये कोड, ये जो कंपाइल होकर आया, ये डायरेक्ट प्रोसेसर के पास में जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। यहाँ पे जो चेंज होता है जावा में जो आता है कंपाइलर से निकल के, कंपाइल तो हुआ मतलब पूरा प्रोग्राम एक बार में चेंज हुआ, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोसेसर के पास नहीं जाएगा, अभी इसके बीच में एक स्टेप और आएगा। कौन है वो स्टेप क्या है, वो है हमारा JVM। JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, एक्चुअली में कैसे वर्क करती है, ये आगे सिलेबस का पार्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानिए, ये ऐसा एक प्रोग्राम होता है जो कि प्रोसेसर से इंटरेक्शन इसका होता है, ये प्रोसेसर से खुद डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेड वाला काम आता है, यहाँ पे कंपाइलर आया, कंपाइल हुआ, यहाँ पे अब इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होगा, यानी अब यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा वो इंटरप्रिट होना स्टार्ट होगा। अब JVM क्या करेगा, इसकी एक लाइन उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, जो मेन हमारा मशीन जिसको समझता है, कंप्यूटर समझता है, जो लो लेवल मशीन कोड है मशीन लैंग्वेज में, एक लाइन उठाएगा उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा,
उसको सीधा देगा प्रोसेसर को एग्जीक्यूट होने के लिए। फिर जब वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद फिर दूसरी लाइन को यहां से फेच करेगा, यहां से उसको देगा प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको देगा प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये कैसे होता है, ये इंटरप्रिटेड होता है, ये स्टेप जो होता है ये इंटरप्रिटेड होता है, मतलब कि यहां पे काम लाइन बाय लाइन होता है, इसीलिए जावा दोनों में आता है। एक्चुअली में तो जावा का जो सोर्स कोड होता है वो कंपाइल्ड ही होता है, वो कंपाइल होके ही जाता है इसके पास, JVM के पास। ये सोर्स कोड जो रहेगा मेन वो कंपाइल होगा, यहां से सोर्स कोड उठाया कंपाइल करके जावा के कंपाइलर ने उसको चेंज कर दिया, लेकिन वो प्योर मशीन कोड में नहीं रहता है, वो एक स्पेशल कोड में रहता है जिसको कहते हैं बाइट कोड। ये जावा के स्पेसिफिक पे है, और कोई लैंग्वेज इसको यूज नहीं करती, मेनली जावा इसको यूज करती है बाइट कोड को। जावा ने अपना बाइट कोड क्रिएट कर दिया कंपाइल होके, उसके बाद काम आएगा JVM का, ये JVM अब उसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेगा। JVM क्या करेगा, एक लाइन उठाएगा बाइट कोड की, उसको चेंज करेगा, ट्रांसलेट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, मशीन के कोड में 01 में, और उसको देगा प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरी लाइन उठाएगा, उसको कंपाइल करेगा, मतलब उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको देगा प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसकी वजह से कहते हैं जावा इंटरप्रिटेड लैंग्वेज भी है, क्यों, क्योंकि उसका जो बाइट कोड बनता है वो मशीन कोड में इंटरप्रिट होके ही चेंज होता है, वन बाई वन होके ही चेंज होता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाता है। और यही जो JVM होता है, यही पार्ट जो यहाँ पे होता है, जो एक्स्ट्रा स्टेप थोड़ा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यही मेन जावा की जो मेन सिक्योरिटी होती है, यही जावा की सिक्योरिटी को बढ़ाता है, यही जावा की सिक्योरिटी का मेन रीज़न है। ये जो इस एक्स्ट्रा स्टेप आ गया कि जो कोड यहाँ से निकल के आएगा कंपाइलर से वो डायरेक्ट प्रोसेसर से नहीं जाना है, वो JVM से गुजरते हुए जाएगा, मतलब JVM पहले उसको देखेगा कि ऐसा तो कुछ इसमें नहीं है जो प्रॉब्लम कर सकता है मशीन के साथ में वो प्रोसेसर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बाद ही उसको जाने देगा। यही जो एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है JVM की, यही जावा को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देती है, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के मामले में जावा अच्छा सिक्योरिटी के मामले में इसीलिए बाकी लैंग्वेजेस से अच्छा हो जाता है। ये जो बीच में एक सेकेंड लेयर आ जाती है JVM की। तो ये थे कॉन्सेप्ट्स कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। आगे फिर और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, कैसे प्रोग्राम को, जब प्रोग्राम हमारा एक प्रोग्राम जब बन जाता है तो उसकी कैसे टेस्टिंग करते हैं, कैसे डिबगिंग करते हैं, क्या होते हैं स्टेप्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि क्या होते हैं ये स्टेप्स और कैसे इनको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने जावा प्रोग्रामिंग के, जावा के बेसिक्स में कि जावा कैसे काम करती है, जावा में एक्चुअली ये सब प्रोसेसेस कैसे होते हैं उसको करने के लिए। तो आज के जो आज जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक बेसिक कमांड होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कि आप ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करो, ये होता है इंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिर क्या था, इंस्ट्रक्शन हो गया, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कई इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, एक ऐसा पूरा एक कॉम्बिनेशन है जो वन बाई वन कहता है एक पर्टिकुलर पूरे बड़े टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक सेट रहता है। उसके बाद फिर आता है प्रोग्रामिंग क्या है, जो प्रोग्राम है उसको, प्रोग्राम को जो लिखने का प्रोसेस है, प्रोग्राम को बनाने का जो प्रोसेस है उसे ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। फिर आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें जिसके यूज करके हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, ये थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई, कैसे पहले सबसे पहले मशीन लैंग्वेज थी जिसमें 01 में काम होता था, सब मशीन लैंग्वेज में स्विचेस को ऑन ऑफ करके काम होता था, उससे प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा समस्या आई तो असेंबली लैंग्वेज बनाई गई जिसमें मतलब जो 01 के ग्रुप्स थे एक पर्टिकुलर सिंबल्स रहते थे उनको इंग्लिश के वर्ड से नेम दे दिया गया, उससे प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो गया। लेकिन फिर जब कुछ टाइम बीता, फिर जब प्रोग्राम्स बहुत बड़े होने लगे, फिर असेंबली भी वहाँ पे लैग करने लगी, असेंबली में भी समस्याएं आने लगी, असेंबली में भी बहुत परेशानियां होने लगी प्रोग्राम करने में। फिर असेंबली को और अपडेट किया गया, मतलब असेंबली से एक बड़ी लैंग्वेज बनाई गई जिसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिनमें हमारे C++ और जावा पाइथन ये सब लैंग्वेजेस जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और फिर एक था कॉन्सेप्ट असेंबलर, असेंबलर क्या होता है,
क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है तो असेंबली को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। असेंबली को ट्रांसलेट किया, जिसने जो प्रोग्राम होता है जो असेंबली को ट्रांसलेट करता है मशीन में, वो बोलता है हमारा असेंबलर कहलाता है। उसके बाद फिर हमारा आया कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट। अब चूंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो भी कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, उनको लो लेवल में कन्वर्ट करना है मशीन लेवल में, तो उनको कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। ये दोनों प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपाइल करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। फिर आया कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो भैया कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में, जो पूरा प्रोग्राम होता है उसको सीधा एक बार में कंपाइल करके प्रोसेसर को पकड़ा देता है कि ये लीजिए आप प्रोसेस अपना कीजिए स्टार्ट। इंटरप्रेटर जो होता है उससे थोड़ा अलग होता है, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता रहता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता रहता है और उसको प्रोसेसर को हैंड ओवर करता रहता है कि आप ये प्रोग्राम कीजिए, यहाँ पे ये आप एग्जीक्यूशन कीजिए, ये स्टेप परफॉर्म कीजिए। मतलब ये लाइन बाय लाइन एक लाइन को उठाएगा, उसको प्रोसेसर से एग्जीक्यूट कराएगा ट्रांसलेट करके, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ये था कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस कंपाइल्ड होती हैं, कौन कौन सी इंटरप्रेटेड होती हैं। तो एग्जाम्पल्स हमने लिखे, लेकिन जावा दोनों में आया। और फिर जावा दोनों में क्यों आया, मतलब जावा एक कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दोनों साथ में कैसे है, वो हमने समझा यहाँ से कि जावा को जब हम कंपाइल करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेजेस तो कंपाइल होकर जो अपना कोड जनरेट करती हैं मशीन कोड, वो सीधा प्रोसेसर से जाता है, इंटरेक्ट करता है, प्रोसेसर पे काम कराता है। लेकिन जावा में थोड़ा अंतर है, जावा में जो प्रोग्राम है वो पहले कंपाइल होकर बाइट कोड बनेगा, एक स्पेशल कोड बनेगा। कंपाइल होकर मतलब पूरा पेज, पूरा प्रोग्राम एक बार में। उसके बाद फिर JVM जो है, जो जावा की एक एक्स्ट्रा पार्ट है, एक एक्स्ट्रा लेयर है, वो उठा के इस बाइट कोड की वन बाय वन लाइन इंटरप्रेट करके उसको फिर ट्रांसलेट करेगी, प्रोसेसर को देगी। तो जावा यहाँ पे कंपाइल होगा, ये कंपाइलेशन का स्टेप है, और यहाँ पे स्टेप आता है ये इंटरप्रिटेशन का स्टेप है। तो यहाँ पे इसलिए जावा में कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन दोनों होता है। और यही जो JVM का एक एक्स्ट्रा लेयर आया है कि जो बाइट कोड को पहले अपना एग्जीक्यूट कराएगा तब प्रोसेसर को देगा, एक्चुअल में एग्जीक्यूट कराने के लिए पहले अपना ट्रांसलेट करेगा, यही जावा को एक्सटेंडेड सिक्योरिटी देता है, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि बीच में JVM है जो कि इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेगा। तो आई होप कि आज के जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे, जो हमने आज के टॉपिक्स देखे, वो आप सबको क्लियर हों। अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है, और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग, जावा हम कैसे होते, जावा के बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो जावा पढ़ते हैं या जावा सीखना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनके बीच में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, धन्यवाद।